नमस्कार दोस्तों, आरके इंग्लिश सॉल्यूशंस वेलकम्स यू। माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई विल टीच यू अ वेरी फेमस पोएम ऑफ चिल्ड्रन बाय खलील जिब्रान। दोस्तों, खलील जिब्रान का जन्म बशारी, एक ये टाउन है लेबनन कंट्री में, तो वहाँ एक टाउन है ये बशारी, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और ये लेबनन एक्चुअली एक कंट्री है वेस्टर्न एशिया में, जो ऑफिशियली लेबनिस नाम से जानी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पोएम ऑफ चिल्ड्रन। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पोएम को शुरू करने से पहले थोड़ी सी मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे दूँ पोएम के बारे में, उसके बाद फिर मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाता हूँ। ये जो पोएम है ऑफ चिल्ड्रन, एक्चुअली खलील जिब्रान ने बच्चों के लिए माता पिता का नेचर क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है अपने बच्चों के लिए, इस बात का वर्णन किया है इस पोएम में। तो इस पोएम में उन्होंने बताया है कि जो पेरेंट्स का एक्चुअली जो नेचर होता है वो कंट्रोलिंग नेचर होता है। तो यहाँ पॉइंट ये कहना चाहते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों की जैसे मान लीजिए फीलिंग्स, ड्रीम्स, एम्बिशंस, एस्पिरेशंस, इन सब की परवाह किए बिना उन पर वो अपने आइडियाज़, अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपनी इच्छाएं कि पेरेंट्स क्या चाहते हैं, ये सब इच्छाएं वो बच्चों पर थोपने की कोशिश करते हैं। मतलब पेरेंट्स ये नहीं जानना चाहते कि आखिर बच्चे ही क्या अच्छा है, वो अपनी इच्छा बच्चे पर थोपना चाहते हैं। जैसे बच्चा उनके हिसाब से पढ़े, उनके हिसाब से खाए, उनके हिसाब से पहने, इस तरीके से आप समझ लीजिए। तो पॉइंट यहाँ कहना चाहते हैं कि पेरेंट्स की ये जो सोच है ये गलत है, उन्हें बच्चों को हर तरह की आज़ादी देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे इस देश का भविष्य है, इस दुनिया का भविष्य है। तो चलिए अब इस पोएम को शुरू करते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। एंड अ वुमन हु हेल्ड अ बेब अगेंस्ट हर बॉसम सेड स्पीक टू अस ऑफ चिल्ड्रन। इसका मतलब है एक स्त्री जो दूध पीने वाले एक छोटे से बच्चे को गोद में लिए हुए थी, वह पैगंबर अल मुस्तफ़ा से बच्चों के बारे में बताने के लिए कहती है। एंड ही सेड, अब उन्होंने कहा, Your children are not your children, they are the sons and daughters of life's longing for itself. इसका मतलब है अगर विवाहित जोड़ा यह सोचता है कि उन्होंने बच्चों को जन्म दिया है और बच्चे पूर्ण रूप से उनसे संबंध रखते हैं तो ये सोच गलत है। हर पति पत्नी बच्चों की इच्छा रखते हैं, अतः ईश्वर के आशीर्वाद से बच्चे उनसे जन्म लेते हैं। पति पत्नी बच्चों की उत्पत्ति के लिए सिर्फ एक साधन मात्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे कम थ्रो यू बट नॉट फ्रॉम यू एंड दो दे आर विद यू येट दे बिलोंग नॉट टू यू। इसका मतलब है अपने माता पिता से जन्म लेने के बावजूद भी वे बच्चे उनके नहीं कहलाते, क्योंकि वे ईश्वर के बच्चे हैं। हालांकि बच्चे अपने माता पिता के साथ रहते हैं, फिर भी वे उनसे संबंध नहीं रखते। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स। इसका मतलब है ये जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों को अपना प्यार तो दे सकते हैं, लेकिन अपने थॉट्स नहीं दे सकते, मतलब अपने विचार नहीं दे सकते, क्योंकि बच्चे अपने ही विचारों को फॉलो करेंगे, जो उनका मन करता है वह वही करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यू मे हाउस देयर बॉडीज बट नॉट देयर सोल्स। तो इसका मतलब है जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों के शरीर को तो चार दीवारी बंद कर सकते हैं, मतलब घर में कैद कर सकते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों की आत्मा को कैद नहीं कर सकते, वो स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। चलिए आगे की लाइन देखते हैं। फॉर देयर सोल्स ड्वेल इन द हाउस ऑफ टुमारो। इसका मतलब है माता पिता यानी जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों की आत्मा को नियंत्रण में नहीं कर सकते, क्योंकि जो आत्मा होती हैं वो सदैव के लिए स्वर्ग में रहती हैं। चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। विच यू कैन नॉट विजिट नॉट इवन इन योर ड्रीम्स। इसका मतलब है कि जो माता पिता होते हैं वो कैसे भी करके स्वर्ग में नहीं पहुँच सकते, क्योंकि उनके जो विचार होते हैं वो पवित्र नहीं होते, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो हमेशा निर्दोष होते हैं, उनमें किसी प्रकार का पाप या बुराई नहीं होती। लेकिन जो बच्चों के माता पिता होते हैं उनमें पाप होता है, बुराई होती है, इसलिए वो स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकते। तो चलिए आगे एक लाइन देखते हैं। यू मे स्ट्राइव
टू बी लाइक देम बट सीक नॉट टू मेक देम लाइक यू। इसका मतलब है माता पिता अपने बच्चों के अनुसार खुद में परिवर्तन ला सकते हैं, अपने विचार बदल सकते हैं, लेकिन अगर वो बच्चों में परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे तो उनकी ये कोशिश बेकार सिद्ध हो सकती है। चलिए यहाँ कुछ कठिन शब्द उनको मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे लिखा है बेब, इसका मतलब होता है दूध पीने वाला बच्चा। ये बॉसम मतलब स्त्री की छाती, और ये लॉन्गिंग मतलब इच्छा, और ये हाउस ऑफ टुमारो इसका मतलब होता है हेवन मतलब स्वर्ग, और ये स्ट्राइव मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश करना, संघर्ष करना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फॉर लाइफ गोज नॉट बैकवर्ड नॉट टैरीज विद यस्टरडे। इसका मतलब है मनुष्य का जीवन हमेशा आगे की तरफ देखता है, ना कि पीछे की तरफ, लेकिन समय कभी भी बीते हुए कल के साथ ठहरता नहीं है, हमेशा आगे बढ़ता जाता है। चलिए आगे की लाइन देखते हैं। यू आर द बोज फ्रॉम विच योर चिल्ड्रन एज लिविंग एरोज आर सेंट फॉर्थ। इसका मतलब है जो पैगंबर हैं वो माता पिता को धनुष कह रहे हैं, और जो उसमें से तीर निकलते हैं वो बच्चे हैं। मतलब पैगंबर ने धनुष का कंपेयर माता पिता से किया है, और उसमें से जो तीर निकलते हैं उसका कंपेयर बच्चों से किया है। धनुष हमेशा स्थिर रहता है, लेकिन बच्चे रूपी तीर हमेशा आगे निकल जाते हैं। मतलब माता पिता स्थिर रहते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो हमेशा आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द आर्चर सीज द मार्क अपॉन द पाथ ऑफ द इनफाइनाइट एंड ही बेंड्स यू विद हिज माइट दैट हिज एरोज मे गो स्विफ्ट एंड फार। यहाँ पर ईश्वर की तुलना एक धनुधारी से की गई है, जो पूर्ण रूप से अनंत के मार्ग को अच्छी तरह से जानता है, पहचानता है। ईश्वर धनुष को खींचने के लिए माता पिता को शक्ति देता है, जिससे कि वे बच्चे रूपी तीर बहुत तेजी से बहुत दूर अपनी यात्रा की ओर निकल जाएं। चलिए आगे देखते हैं। लेट योर बेंडिंग इन द आर्चर्स हैंड बी फॉर ग्लैडनेस। इसका मतलब है ईश्वर का प्रेम जो माता पिता के लिए है, और ईश्वर ने जो माता पिता पर नियंत्रण कर रखा है उसके लिए माता पिता को खुश होना चाहिए। अब चलिए लास्ट लाइन देखते हैं। फॉर इवन एज ही लव्स द एरोज दैट फ्लाइज सो ही लव्स ऑल्सो द बो दैट इज स्टेबल। इसका मतलब है जो बच्चे रूपी तीर हैं जो आगे की ओर बढ़ते हैं, ईश्वर उनसे तो प्रेम करता ही है, और जो धनुष रूपी माता पिता हैं जो स्थिर हैं, ईश्वर उनसे भी प्रेम करता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ईश्वर बच्चों से और माता पिता से दोनों से ही प्रेम करता है, ईश्वर के लिए सभी बराबर हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।